हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ तक आपने पिछवाला ब्लॉग देख लिया था। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ? आज मैं जा रही हूँ अपना जो मेरा पुराना मायके का घर था वहाँ जा रही हूँ। आज मेरे ताया के जो बच्चे हैं ना, दो मतलब मेरे ताया का बेटा था एक, बहुत पहले, जो बहुत पहले नहीं मतलब 1-1.5 साल हो गए उसको एक्सपायर हुए हुए, तो उसके दो जुड़वा बच्चे हैं, उनका फर्स्ट बर्थडे था अब अभी। मतलब ये जो ब्लॉग है ना, ये है भैया भाई दूज वाले दिन का। तो सॉरी, ब्लॉग बहुत लेट हो रहा है मेरा इसके लिए। तो सबसे पहले जाते हुए, मेरे जो ताया है ना, उनका घर रास्ते में पड़ता है, तो बस वहीं के नज़ारे मैं आपको दिखा रही हूँ। उस घर की भी मैं आपको सैर करवा रही हूँ। मैंने कहा चलो आपको ताया के घर की सैर करवा लेती हूँ। तो अभी मैं बस बाहर से देख रही थी, क्योंकि अभी इन्होंने जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, अभी उन्होंने बनाया है, मतलब पहले भी बना था, लेकिन आगे इन्होंने एक हॉल बड़ा सा बना दिया है। काफ़ी टाइम के बाद मैं भी यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर आना तभी होता है जब हमारे मतलब कुछ फंक्शन वगैरह हो, तभी हमारा गेट टुगेदर हो जाता है, अदरवाइज ऐसे आना नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बड़ा सा हॉल इन्होंने ये अभी बनाया है, ये वाला हॉल उन्होंने अभी बनाया है, और बहुत अच्छा लगा मुझे। टाइल वगैरह भी अच्छी लगी इसकी। अभी हालांकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें दरवाजे वगैरह लगाने को है, और बाकी खिड़कियाँ वगैरह भी लगेगी। तो बाकी उन्होंने टाइलों का काम बाहर किया, तो अंदर वाले जो रूम थे उनमें पहले टाइलें नहीं डली थी, तो उनमें भी टाइलें डली उन्होंने। वो दिखा रहे थे मुझे कि कैसा लगा तेरे को डिज़ाइन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी नीचे वाली टाइल भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी, और बाकी दीवार पर भी आधी इन्होंने टाइल डाल दी थी, बाकी आधी बोल रही थी कि वुडन का काम करवाना है, सीलिंग वगैरह भी करवानी है ऊपर। और बाकी ये वाला रूम, और इस रूम में बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई आज, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे ताया जो अभी पिछले साल एक्सपायर हो गए थे, और वो मेरे पापा को भी अभी ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएंगे, और ये मेरे दादा दादी, और सब फोटो के नीचे ना एक्सपायर मतलब कब एक्सपायर हुए वो डेट भी रख के रखी थी। तो ये सारी यादें इसमें संजो के रखी हुई हैं, जो 4 मिसहैपनिंग हमारे घर में हो गई थी, वो सारी इस रूम में मुझे यादें मतलब ताज़ा हो गई। और उसके बाद बाहर देखिए, यहाँ पे हॉल दिखा रहे हैं, और यहाँ से ये घर ऐसा है कि मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पे है ना, तो हर जगह से ये दिखता है और बहुत सुंदर लगता है। ये पेड़ मुझे बहुत पसंद है जो घर के बाहर है, और झूला भी उन्होंने लगवा लिया था। मेरा मन तो कर रहा था कि थोड़ी देर झूला झूल लूँ, हालांकि हम लेट हो गए थे, अभी ऑलमोस्ट शाम का टाइम है ये, मतलब 3:30 बजे के आसपास का टाइम होगा अभी ये। तो फिर मैंने कहा जाना, क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी होने लग जाता है, तो फिर वापस भी होना था घर, इसीलिए फिर बस हम यहाँ से निकल गए। फिर ताया ने बोला कि एक बार ऊपर, इससे ऊपर भी देख लो, तो ऊपर देखा मैंने इनका डिज़ाइन, जो चादर मतलब जैसी हमारे घर में डली है ना, वैसी सेम टू सेम वैसी है, और डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा इनको, हमारी जो चादर डल रही है घर में उसका डिज़ाइन भी सेम टू सेम ऐसा ही है, और कलर भी सेम ऐसा ही है। तो यहाँ पे मुझे बता रहे थे मेरे ताया हैं, ये बता रहे थे कि ऊपर भी यहाँ पे मुझे बंद करना है, यहाँ पे भी चादर डाल देनी है, और ये भी हॉल टाइप बन जाएगा। तो बस यहाँ से मैं ऊपर आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ एक फ़ायदा मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जब हम पहले यहाँ पर रहते थे ना, मतलब मेरा जब पुराना मायके था, अब तो पुराना घर कुछ भी नहीं रहा है, कुछ रहा है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी अभी। तो यहाँ पे कुछ रोड वगैरह उस टाइम हुआ नहीं करते थे, हम पैदल जाते थे, लगभग 1 घंटा में पैदल चलने में लगता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि घर तक गाड़ी। ताया ने तो बहुत सुंदर घर बना दिया है, मतलब ये देखो बहुत मुश्किल होता है, पहले यहाँ पर सड़क वगैरह कुछ नहीं होती थी, जब हम पहले थे यहाँ पर रहते थे तब सड़क वगैरह कुछ नहीं होती थी, लेकिन अब सड़क वगैरह सब कुछ सारी सुविधाएं हो गई है, घर तक मटेरियल पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी मुश्किल होता है ऐसी जगह पे घर बनाना। फिर भी मैंने बहुत बड़ा घर बना दिया है इधर, मैं काफ़ी टाइम के बाद आई अभी यहाँ। ठीक है, अब चलते हैं नीचे, और वो रहा वहाँ पे, वहाँ पे जहाँ धुआं, हाँ धुआं होटल की तरह लग रहा था, चलो चलो, तो जहाँ धुआं उड़ रहा है बस वहीं। यहाँ पे भी रोड का कोई नामो निशान नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पे भी देखो गाड़ियाँ लगती थी, यहाँ पे मतलब छोटा सा रास्ता हुआ करता था पगडंडी, अब यहाँ पे सारे रोड बने हुए हैं, पुरानी कुछ कुछ यादें रह गई हैं। और हम सब यहाँ पे बहुत खेला करते थे बचपन पूरा, हम मतलब 9th-10th तक मैं यहाँ पे ही होती थी। और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा अगर आपको दिखेगा, अभी पूरा नहीं दिखा पाऊंगी। चढ़ने का आपका मन नहीं किया? नहीं करता था, तेरी तरह जैसे हम अभी सुंदरनगर गए ना, तो मेरा भी नहीं करता था, मैं भी नहीं जाती थी, जैसे हम ऊपर शिफ्ट हो गए तो मैं भी यहाँ से जाती थी। फिर 10th में मैं चली गई थी यहाँ से, क्योंकि मम्मी पापा मेरे भाई सब चले गए थे, सब ऐसे यहाँ पे देखो बुरा घर, और नीचे
सारे मेहमान, आज काफ़ी टाइम के बाद गेट टुगेदर होगा हमारा। अच्छा भी लगता है लेकिन दुख भी होता है, काश वो भाई होता जिसके आज बच्चों का बर्थडे है, पर मैं आज कुछ बोलना नहीं चाहती। तो बस जो ताया का घर है ना मेरे रास्ते में ही पड़ता है, मतलब मेरे जो आप बोलोगे कितने ताए हैं, तो 5 भाई थे मेरे पापा वगैरह, बाकी मेरे जो मतलब पापा के ताया लगते थे या दादा ताया लगते थे शायद, या चाचा लगते थे, उनके भी 4 बेटे थे। तो सारी फैमिली मतलब बहुत बड़ी फैमिली है यहाँ पे, आप देख सकते हो उनके बर्थडे हैं। ये दोनों जुड़वा है, एक बेटी है एक बेटा है, और जब ये दोनों पेट में थे ना, मतलब पेट में प्रेग्नेंट थी मेरी भाभी उस टाइम, मेरा भाई एक्सपायर हो गया था या बोल लो उसने सुसाइड किया था, तो बस उनके बच्चे देखो फर्स्ट बर्थडे आज, इतना मतलब देख के ऐसा लगता है ना कि काश वो आज खुद होता तो बहुत अच्छे से करते, मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से करते, क्योंकि उसको गए हुए अभी आलमोस्ट 1.5 साल हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक बेटी है और एक बेटा है, बहुत बड़े क्यूट लग रहे हैं बच्चे, मैंने भी इनको पहली बार देखा, क्योंकि हमारा आना भी तभी होता है जब कुछ फंक्शन वगैरह हो या कुछ हो तभी हमारा आना होता है, अदरवाइज ऐसे आना नहीं होता। अगर वो खुद आता तो माहौल कुछ और ही होता, होती है ना कि खुशियाँ होती है हर, मतलब उस बात की खुशी भी होती है, लेकिन ये है कि चलो इनको सहारा हो गया, अब एक बेटी और एक बेटा है, बच्चे हैं तो पता नहीं अब कैसे जीवन कटेगा वो तो भगवान को ही पता होगा। मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने को, मैं क्या बोलूं। तो बस मैं अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना अभी जिस लेंटर पे ऊपर हम बैठे हैं, यहाँ पे हमारा कभी पुराना घर हुआ करता था, बहुत बड़ा था, पुराने मतलब जैसे आपको दिख रहा है ना चक्के पर उधर दूसरी तरफ किचन में, इसी तरह का हुआ था, कच्चा मकान था पूरा और 2 फ्लोर से उसके पूरी फैमिली हमारी लगभग 18-20 मेंबर हम होते थे एक फैमिली में, इकट्ठे रहा करते थे उस टाइम, कोई बर्डन नहीं, मतलब बच्चे, बहुत अच्छा टाइम था वो। अभी जब यहाँ आते हैं ना तो वो टाइम हमें ज़रूर याद आता है, और मैं उस टाइम ज़्यादा बड़ी, मैं और मेरी सिस्टर जो आपको दिख रही है रेड सूट वाली कज़न सिस्टर, तो हम ही हुआ करते थे मतलब दोनों, और ये मेरे भाई बैठे हैं दोनों, तो बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे पिजन बैठे थे ऊपर, तो मैंने उनको भी, मैंने क्या ये सुबह बोलेगी फिर से कि मम्मा मैंने वीडियो बनाई है, तो उसने कैप्चर करने की कोशिश किया थोड़ी सी। और बाकी यहाँ पे बस केक बांट रहे हैं, केक वगैरह कट गया है तो उसके बाद बस केक बांट रहे हैं, तो हम भी बच्चों, देखो बच्चों को ज़्यादा शौक होता है केक खाने का, कि अब बस जन्मदिन है तो केक ज़रूर मिलेगा। सुब्बी को तो इतना शौक है मतलब उसका बस चले तो खूब सारा खा ले, और बाकी मैं भी यहाँ पे केक खा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी मायके की फैमिली आप देख रहे हो बैठे हुए, कितनी भीड़ है यहाँ पे, गोली मुली कहाँ थी सुबह देखे थे मैं फोटो दी अंदर, किसको गोदी में गया बच्चा कुन्या जी, अच्छा जी गुल्लू गुल्लू नाम क्या है इनके, नाम सबके वीडियो बनाते ठीक है फिर, टाटा बाय बाय। मैं बोले थे नहीं सैमसंग का नया फोन ले रहा है, सैमसंग का ले रहा था नया फोन मैं, चलो 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 फोटो लेना, ये थिया फोटो ले ओ, काफी टाइम बाद आ सारी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई रही, आ जाओ बनाए रहे मंडियाली अंदर वीडियो मेरे गाय देख लो आ सारी
कपिला, ये चाची की गाय, इसका नाम है कपिला। और देखो कितनी सुंदर गाय है, बिल्कुल छोटी सी, पता के मतलब एक जितनी गोट नहीं होती उतनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो गोबर उठाते हुए पाली गाय को गोबर ले जाते हुए घर की लिपाई करने को। जय माता दी। जय कर ले, जय जय जय। ये सबसे बड़े ताई जी है, ये मम्मी जी है, और ये दो ताई जी उधर है, और चाची जी है जिन्होंने पिंक कलर का दुपट्टा ओढ़ा है। बाय जी, बाय 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 शुभी। चलो कुछ तो आधे है ना, कोई तो घर है। जब नरेश जमी रहा तो मतलब नरेश कितने कितने साल रही है? तो बस देखिए यहाँ से देखिए वापसी हो गई। अब वापस से उन ताया के घर में पहुंच गए हैं, और मैं बोल रही थी कि पूरा घर मैंने दिखा दिया, मैंने कहा यूट्यूब पे वीडियो डलने वाली है। तो मेरे ताई भी थे, पहले ताई नहीं दिख रहे थे लेकिन अब ताई भी दिख रहे हैं वीडियो में। तो अभी वापस जा रही हूँ मायके वाली तरफ से, क्योंकि वहाँ पर कुछ सामान वगैरह भी रखा है, टमाटर वगैरह इन्होंने। तो बोलते यहाँ से जा रही हूँ, वैसे मैं शॉर्टकट एक और रास्ता भी था वहाँ से जाना था, लेकिन यहाँ पे पूरी चढ़ाई चढ़ के साथ में खाना भी डाला है घर को, सब्जी वगैरह। चढ़ाई तो नहीं है ना। ये तो गुल्लू की है। फाइनली हम पहुँच गए हैं इस गुल्लू के पास। गुल्लू भी आ गया है, देखो अभी गुल्लू भी आ गया। गुल्लू भी आ गया है मेरा बच्चा गुल्लू। मैं पकड़ूंगी जल्दी इतना पजामा। मैं पकड़ूंगी पजामा। ये तो गुल्लू की हो है। मम्मा ये गुल्लू की ड्रेस है मेरे बच्चे इसकी। हाँ तो गुल्लू की ड्रेस ड्रेस लाए। और ये देखो कैसा लग रहा है मेरा गुल्लू। मेरी गुल्ली कैसी लग रही है भाई? इतना सा मुंह है इसका, इतना सा मुंह को है मेरे बच्चे का। ये मेरी गुल्ली कैसी लग रही है? इसकी शक्ल चेंज नहीं हो गई अब? नहीं सही था। और जैसी लग रही है अब इसकी मैं दिखाऊं? और ये देखो कुल्लू वाली ड्रेस। मैं अम्मा को दे दूंगी ये। मैं बोलूंगी नानी ने लाई आपको। नानी ने लाई है मेरे को ये। मैं बोलूंगी ना अम्मा को इमोशनल। नाकी नाकी मैं तो नाकी। तो ये गिफ्ट मम्मी ने लाई थी मुझे, दो अपने बहुओं को भी लाई, मतलब मेरी भाभियों को, और एक मेरे लिए लाई मम्मी ने जैकेट। मम्मी कुल्लू गए थे अभी इधर सहरा पे, तो वहाँ से लेके आए थे। हाँ अरे वाह, ये सभी बाल ले लेना था। टीका देखो मम्मा मामू की तरह ही नहीं है इसके बाल, है ना? हाँ नरेश मामू की तरह। सो चलिए इसी के साथ ही मायके में ही मैं इस ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग इंजॉय किया होगा। अभी जल्दी से मुझे घर के लिए निकलना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।